नंबर वन, दोस्तों आपके साथ ये कभी न कभी जरूर हुआ होगा, जब आप सुसु करने जा रहे होते हो तो तभी कोई न कोई पूछ ही लेता है, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो। तब आप बिना कुछ कहे उसे अपनी पिंकी फिंगर यानी कि छोटी उंगली दिखाते हुए आप चले जाते हो। अब सवाल आता है, छोटी उंगली को ही क्यों दिखाते हैं, बाकी उंगली को भी तो दिखा सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों इस बात का जवाब आपको प्राचीन शास्त्रों में मिल जाएगा। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हमारे हाथ की उंगलियां कुछ न कुछ दर्शाते हैं, जैसे थंब फायर यानी अग्नि को, इंडेक्स फिंगर एयर यानी हवा को, मिडिल फिंगर स्पेस यानी आकाश को, रिंग फिंगर अर्थ यानी पृथ्वी को, और स्मॉल फिंगर वाटर यानी पानी को। अब आप समझ ही गए होंगे क्यों लिटिल फिंगर को दिखाया जाता है और बाकी फिंगर को बंद रखा जाता है। नंबर टू, आईफोन का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन ब्राजील की सरकार ने आईफोन 14 बेचने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सवाल आता है क्यों। देखिए, एप्पल कंपनी वाले अपने आईफोन के साथ चार्जर नहीं देते और इस बात के लिए ब्राजील की सरकार ने एक अलग ही अमेजिंग ट्रिक लगा के आईफोन को बैन किया है। देखिए, आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का कहना है, हम अपने मोबाइल के साथ चार्जर इसलिए नहीं देते क्योंकि हमारे पुराने चार्जर अच्छा काम करते हैं और नए चार्जर बना के हम प्लास्टिक वेस्ट को ही बनाएंगे। और अब ब्राजील सरकार का कहना है, जो लोग नया फोन लेते हैं या जिनका चार्जर खराब हो जाता है वो लोग एक थर्ड पार्टी चार्जर लेके आते हैं, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का चार्जर नहीं होता और जिसकी वजह से या तो फोन खराब हो जाता है या तो चार्जर खराब हो जाता है। और प्लास्टिक का वेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए मोबाइल के साथ अच्छा चार्जर देना कंपनी की जिम्मेदारी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।